बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, मैं हूं अहमद नवाज। पाकिस्तान ने आखिर जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी और बड़ा ही जबरदस्त टी20 मैच हुआ है। इस बारे में पूरी तफसील से गुफ्तगू करनी है। जॉइनिंग मी इन स्टूडियोज इज माय को होस्ट हिजाब जायद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब। वालेकुम अस्सलाम, और आपको और हमारे देखने वालों को भी सबको मुबारक हो। बहुत ही अच्छी गेम पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी विन, एक कॉम्प्रिहेंसिव विन, जिस तरह के हमारे दो एक्सपर्ट्स ने ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट किया था हमारे लिए। सो जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो आर आवर टू एक्सपर्ट्स शोएब अख्तर एंड मोहम्मद हफीज। वेलकम जेंटलमैन। थैंक यू। बड़ा ही जबरदस्त मैच रहा है और आई थिंक पाकिस्तान ने पहले बैटिंग तो जरूर की और हम अपने प्रेडिक्शंस तो जरूर दे रहे थे प्री मैच में, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई। और जब आप मैच समरी की बात करते हो तो उसमें हमें यही नजर आया कि पाकिस्तान की तरफ से भी तैयब ताहिर और इरफान ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और कर्टसी ऑफ दैट आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी ब्रिलियंट। और उसे हमें नजर आया कि बहुत ही अच्छा टोटल, एक एवरेज टोटल आपने रीच कर लिया। 155 एवरेज था तो आपने 10 रन तो खैर ऊपर कर ही लिए, तो इस बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे। बट अ गुड डेज अबाउट इन फॉर टी20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। गुड डे इन ऑफिस। यस। क्लिनिकल फिनिश? नो नो। 60, 6 ओवर में 60 था। बिल्कुल ऐसे ही है। किनका? जिम्बाब्वे का। सात में कितना भी हो गया? सात में रोटी भी खिलानी अब इन्होंने हमें। पहले बारी करते तो 200 हो जाता। जो बात हुई थी वो भी तो लोगों को याद रहे ना, जहां से हमने डिसकंटिन्यू किया था। मेरी सारी प्रेडिक्शन वर्ल्ड कप में ठीक हुई थी। साठ क्लिनिकल बिल्कुल था उनकी तरफ से। हफीज ये बैटिंग के बारे में बताएगा आपको तफसीलन। सात में 80 भी था उनका। सो दे वर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट विद हसन और द अदर गाय आर फॉरगेटिंग हिज नेम, जो रन आउट हुआ था, मरमानी। वो अच्छा खेल रहे थे। अगर वो खेलते रहते तो पार्टनरशिप लग जाती। पाकिस्तान डिड नॉट मेक द टोटल as much as you should have get. Let's put it this way, Fees was saying 175. That was a par total. ठीक है, 10 runs to. मेरे ख्याल में, I think would you, when you, अगर आप रजा की बैटिंग देखें, आप मुरमानी की बैटिंग देखें, they were actually striking the ball. है ना? Absolutely. As a batsman, you ask him, he will tell you. They were basically controlling the game. Controlling the game. और वो स्ट्राइक भी ले रहे थे, चांस भी ले रहे थे और अंडर प्रेशर रन बॉल भी खेल रहे थे। दैट इज द गुड थिंग दैट आई हैव सीन फ्रॉम जिम्बाब्वे, दैट इज अ बिट लैकिंग। आई रेकन दैट यू नो तैयब ताहिर आगे थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, उस्मान बहुत अच्छा खेला, बट अगेन दैट वाज द थिंग वाज मिसिंग आउट ऑन द यंगस्टर। दैट इज फाइन विद मी, बट आई होप कि वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा फीज भाई, पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा हुआ और पावर प्ले में तकरीबन 50 रन बन गए, दोनों ने स्टार्ट अच्छा लिया, बट आफ्टर वी सॉ दैट you know a couple of wickets fell. mere khayal se tayyab ki aur jo partnership irfan ki rahi hai, that has really made a difference for us. dekhiye wo to bahut acha situation handle kar gaye at number 5 number 6, lekin jo usse pehle momentum dekhiye t20 cricket mein ek momentum aap gain karte hain aur phir you have to maintain it as a team. aisa nahi ho sakta ki aapko koi banda ya koi player agar momentum de de aur aap usko lose kar jaye by playing your own ways. kyunki us waqt ek momentum saim ayub aur usman khan ki, क्योंकि उस्मान खान वॉज नॉट कुडंट प्ले दैट मच इनिंग्स जो मुझे लगता है कि वो खेल सकते थे, लेकिन ही ट्राइड एटलीस्ट दे गिवन दैट मोमेंटम। लेकिन उसके फौरन बाद सलमान आगा सीम्स लाइक अ मिसफिट एट दैट पर्टिकुलर रोल एज ए नंबर 4 बैट्समैन। ही कुडंट रोटेट द स्ट्राइक वेल, ही कुडंट प्ले सम बिग शॉट्स। लेट्स पुट इन एन इजी वे, कुड नॉट अंडरस्टैंड द स्पिनर वेल। ही प्लेज वेल बट ही कुडंट एक्सेलरेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि नंबर 4 को आके वो जो इम्पैक्टफुल जोन क्रिएट करना था, वो सिचुएशन जो क्रिएट करनी थी, ही कुडंट डू दैट। वहां पे पाकिस्तान थोड़ा नीचे गया, बट द वे नंबर 5 नंबर 6 बैटेड एंड दे हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल, दे कंट्रोल द गेम, दे ब्रॉट पाकिस्तान बैक इनटू दैट जोन वे वी कैन हैव अ गुड विनिंग टोटल। क्योंकि 155 पार रन तो थे, कंडीशन शायद 170 या 180 की थी, बट एटलीस्ट विद द एफर्ट ऑफ तैयब एंड इरफान वी मैनेज टू गेट 165, विच वॉज टू मी having this kind of a bowling lineup was a very good score to win the game. बिल्कुल। मैच समरी पर एक नजर डालते हैं और मेरे ख्याल से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है जिसके बारे में डिस्कशन हमने जरूर करनी है, और वो ये है कि अगर आप सलमान अली आगा की इनिंग सिर्फ निकाल दें तो पाकिस्तान के जितने बैटर्स हैं आज 120 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेले, तो आई थिंक दैट क्लियरली मेड अ डिफरेंस। और ये आपके सामने मैच समरी है, तो 165 फॉर 4 जिम्बाब्वे ऑल आउट ऑन 108, पाकिस्तान विनिंग बाय 57 रन्स। नोटेबल परफॉर्मेंसेज इन द बॉलिंग एज वेल, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक हिजाब इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो हम पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली
इट रियली मैटर्स टी20 क्रिकेट में भी, और हमने यही देखा है कि ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद भी वो पार्टनरशिप जारी रही है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और इसी हवाले से मेरा हफीज से एक सवाल है कि आप जब खेलते थे तो आप स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे, हमने यहाँ पर यही देखा, हम जो इंटरेस्टिंग फेज की बात कर रहे थे, हमने देखा कि एक बीच में एक फेज आया 60-62 बॉल्स विदाउट एनी बाउंड्रीज, एंड दैट वाज द फेज जहाँ पे स्पिन जो है वो जिम्बाब्वे के बॉलर्स बहुत अच्छी तरीके से करा रहे थे। तो ये जो स्ट्रगल है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी बैटर्स की अगेंस्ट स्पिन, व्हाट्स द सॉल्यूशन? देखें, सॉल्यूशन सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, आपकी गेम डेवलपमेंट के साथ आएगा। आई रिमेंबर द टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, स्पिनर लगता था और मैं आउट हो जाता था। फ्रॉम दैट लेवल कमिंग इन दैट वे, जहाँ पे आप भी मेरे कैरियर को ये याद करके या आप ये बात कर रही हैं कि आई वॉज द वन जो स्पिनर अच्छा खेलता था, तो वो जो डेवलपमेंट है उसके पीछे मेरी मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा स्किल्स थी। यू ऑलवेज इन्हेंस योर स्किल्स, आपके जो टेक्टिक्स हैं यू हैव टू वर्क ऑन दैट। मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को लर्न करना, ये डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। देखें, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें फोर इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप जहां पे भी खड़े हुए हैं, जहां से भी आप स्टार्ट करते हैं, आप उसको अपने जोन को कैसे इन्हेंस करते हैं कि आप वहां पे पहुंच सके। नंबर वन इज योर टेक्निक, यू ऑलवेज नीड टू वर्क ऑन योर टेक्निक, देर इज ऑलवेज अ चांस टू इम्प्रूव इट विद इन योर टेक्निक। नंबर टू योर टेक्टिक्स, जहां पे आपकी टेक्निक थोड़ी वल्नरेबल होती है या रुक जाती है, योर टेक्टिक्स बेसिकली टेक ओवर और वो आपको अगली स्टेज पे लेके जाती है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी फिटनेस है, इफ यू आर नॉट फिट इनफ यू नेवर परफॉर्म जो रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम है। नंबर फोर योर मेंटल स्टेट, क्या आप मेंटली अपने आप को किस जोन में रख के परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने आप को। तो जो भी प्लेयर इन चार चीजों पे काम करेगा, टेक्निक, टेक्टिक्स, फिटनेस एंड योर मेंटल स्टेट, ये प्लेयर यंग हैं, मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि इनके ऊपर, इन चारों चीजों के ऊपर अभी से अगर काम किया जाए, दे विल कम अप विद अ वेरी गुड परफॉर्मेंसेज। ठीक है, अभी आज के मैच को अगर हम एनालाइज करें तो कुछ चीजें हमें ग्रे एरियाज नजर आए, बट विद द सेम टाइम देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव इंटेंट, देयर वर लॉट ऑफ पीपल, दे वांटेड टू विन द गेम फॉर पाकिस्तान, दे वर नॉट प्लेइंग फॉर एनी अदर पर्टिकुलर माइंडसेट, दे वर ट्राइंग टू गिव द 100%। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें, बहुत से वो ग्लिम्स हैं जो हम, मैं और शुएब भाई या हम सब लोग चाह रहे थे या व्यूवर्स चाह रहे थे कि पाकिस्तान का नया स्क्वाड है वो हमें वो ग्लिम्स नजर आए और वो नजर आए, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले। क्योंकि दोनों, अगर आप इरफान की और साथी तैयब की बात करें तो 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेले, तो आई थिंक रियली मेड अ डिफरेंस। ये वो पार्टनरशिप अगर आप देखें तो वो जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट की हम बार बार बात करें कि जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेली, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं सिचुएशन पे, और ऑल दो के वहां पर विकटें गिरी हुई थी और सिकंदर रजा बहुत ही अच्छे ओवर्स करके लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। तो शुएब भाई, गुड पार्टनरशिप, और वही बात आपने पहले भी हाईलाइट किया था तैयब के बारे में, और उससे पहले आपने इरफान के बारे में भी हाईलाइट किया था कि इनको भी टाइम दिया, देयर रिस्पॉन्डिंग। आई थिंक मेजर जो मुझे नजर आया है फर्क, लैक ऑफ फीट मूवमेंट, सेकेंड स्वीप शॉट, कमिंग डाउन द ट्रैक ऑफ द स्पिनर्स, चार्जिंग, थर्डली शफलिंग, थोड़ा सा आसन को डराना भी तो है ना सिकंदर रजा को, थोड़ा आगे पीछे करना, बिकॉज ही इज इंटिमिडेटिंग, बिकॉज रिमेंबर ही वॉज अ फास्ट बॉलर हु यूज टू बैट एट नंबर 8 व्हेन ही वॉज इन पाकिस्तान, पिंडी में खेलता रहा। तो इमेजिन उसकी जो पेस है ना, वो फास्ट बॉलिंग वाली है, स्पिनर वाली नहीं है, रिमेंबर दिस। उसको एज अ आपको मीडियम पेसर खेलना पड़ेगा एट टाइम्स, एंड उसकी वेरिएशन को पढ़ना पड़ेगा आपको, यू नो ही इज अ डिफिकल्ट फास्ट, इज अ डिफिकल्ट स्पिनर विद द पेस। नाउ इमेजिन हैविंग अ स्वीप शॉट ऑन हिम, जस्ट इमेजिन, जस्ट ट्राई, देन विल सी कि यार उस पर क्या होता है रिजल्ट। थोड़ा सा चार्ज भी करते हैं, देखते हैं, थोड़ा इनसाइड आउट भी खेलते हैं उसको, देखते हैं क्या होता है, बट वी मैनेज टू फेल दैट। बट हमारा एक जो है वो ये स्टांस, हम यहाँ खड़े होते हैं तो ये भी देगा ना, मार, देर इज नो रिस्ट वर्क, देर इज नो पुश। टेल मी हाउ मेनी सिंगल्स आर देयर, चौके छोड़ो, यही तो क्रिकेट बर्बाद करते हैं ना आप लोग। मैं अब अपने टीवी बैठ के मैं पूरी दुनिया में चीखता रहता हूँ, ये मत दिखाया करो चौके छक्के, कंस्ट्रक्टिंग इनिंग्स दिखाया करो, ताकि बच्चा सीखे कि ये कोई बात नहीं, टाइम अगर दे दो जो मरुमानी और सिकंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। Exactly. तूने देखा उनकी उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्वीप, रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए। बिल्कुल, अब हैमस्ट्रिंग का पुल हुआ है, पुल होगा ना जब आप स्ट्रेच करोगे। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न टेक्निकल साइड के ऊपर,
I really think that, you know, there is young guys, Tayyip intent looks very good, Usman intent looked very good because Usman ke upar bahut zyada pressure tha ki tumne score karna hai, humse nahi khela ja raha. Bilkul. Salman liya ki yahi position thi na. To Usman had to take charge. So us charge mein wo 50 miss kar gaya, but you know he played really well. Na, bilkul. Because usse wo shots, agar aap wicket dekhen, wicket wasn't easy. अगर आप विकेट उस्मान की देखें, अब खेलते हुए देखें, तो बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा है. आप फिर से पूछ लें, शॉट्स ज्यादा ऑन नहीं है यहाँ पे और ज्यादा पेस भी ऑन नहीं है. यू हैव टू वर्क फॉर ऑन वेरिएशन के साथ आप बॉलिंग करें तो बचेंगे, बट यू नो अगेन चार्जिंग ऑन द ट्रैक. You charge, na? You need to play your strong shots against spinner to put him under pressure. अगर आप वो नहीं खेल पाएंगे, अगेन किसी की स्लॉग स्वीप अच्छी हो सकती है, किसी का कमिंग डाउन द ट्रैक एंड हिटिंग स्ट्रेट ये अच्छा हो सकता है, बट यू शुड नॉट गेट इन टू दैट जोन जहाँ पे आप अपने फेवरेट शॉट्स या वो शॉट्स जो आप जिसपे अटैकिंग जोन है वो खत्म कर दें. मुझे लगता है कि ये एक चीज जो शेप भाई की है कि रोटेटिंग द स्ट्राइक अगेंस्ट स्पिनर इज इम्पॉर्टेंट नंबर वन थिंग. यू नीड टू इम्प्रूव दैट एवरी डे. नंबर टू, प्ले योर स्ट्रॉन्ग शॉट्स अगेंस्ट स्पिनर टू पुट हिम अंडर प्रेशर. बट आप जब रोटेट करने पर जाते हैं ना स्पिनर को, तो दो चीजें जाब होती हैं बैट्समैन को. मैं साहब बैटिंग जानता हूँ, जो मैंने बैट्समैन को सुना हुआ है, जो मैंने खेलते देखा हुआ. सो मुझे ये लगता था कि यू नो व्हेन यू मेकिंग श्योर द बॉल आपकी तरफ जब आ रही है, आपका बल्ला पैड के सामने होता है, पैड के सामने होता है, वहीं से आप खेलते हो, वहीं से खेलते हो. आप वहीं से रोटेट करते हो. ऑन ड्राइव अगर खेलते हो तो सामने से खेलोगे ना, पीछे से तो कोई नहीं ऑन ड्राइव खेलता ना. तो बल्ला बाबर का मुझे ये टेक्निकल फॉल्ट नजर आया था कि उसका बल्ला एक तो सेकेंड स्लिप से आ रहा है, दूसरा वो पैडों के पीछे खेल रहा है. स्पिनर जो ही आता है ना, उसके बाद चल रहा तेज वाला कौन सा आ रहा है, वो पीछे खड़ा रहता है, डंडा उड़ गया, जैम्पा दो दफा उड़ गए. अब उसकी स्वीप शॉट भी ऑन नहीं है, अलग वो कमिंग डाउन ट्रैक भी नहीं कर रहा, हालांकि वो सीधे शॉट तो बहुत अच्छे खेलता सामने. दूसरी बात, जब आपके बॉल पास आने देते हैं तो देन आपके पास एक और टेक्निकल एडवांटेज होता है, दैट यू नो इट्स इजियर फॉर यू एज अ बैट्समैन टू कम डाउन टू द ट्रैक व्हेन यू ट्रैक द बॉल. अगर आप 5, 6, 7 बॉलें आप खेल लो ना, आप रेस्ट वर्क के साथ, तो आपको आपको जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो बॉल आपको समझ आना चाहिए, फिर आप निकलने आपके लिए निकलना आसान होता है. आपके लिए लेट कट क्या आसान होता है. एक निकल के मारा है उसने, एक बॉल पीछे की उसने कट मारा है, 3 रन्स लिए उसने. उस्मान ने देखा आपने, सो बट दिस इज माय रीडिंग. आई एम श्योर बच्चे अगर देख रहे हैं तो ये सीख जाएंगे. बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम ये बात करते रहते हैं कि अगर आपने बॉलर पर चार्ज करना है तो वो कैसे आपके लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है. बट ये सब कुछ और बहुत सारी डिस्कशन एक छोटे से वक्फे के बाद. देखते रहिए गेम ऑन. वेलकम बैक टू गेम ऑन है. और ब्रेक से पहले बहुत सारी गुफ्तगू हमने की है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच के ऊपर. मैच के कुछ और टैक्टिक्स हैं उनके ऊपर वापस आएंगे, लेकिन आपको एक बार फिर आगाह करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी बात पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है. तमाम जो व्यूअर्स और फैंस हैं वो बहुत बेताब हैं जानने के लिए कि होने क्या जा रहा है. पाकिस्तान का मौकफ बड़ा साफ है. चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निशानदेही कर दी कि अगर किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जाएंगे तो टिट फॉर टैट होगा, फिर पाकिस्तान भी जाकर भारत में नहीं खेलेगा. लेकिन अभी भी फैसला मुतवक्के है, अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या फैसला होने लगा है. लेकिन हफीज भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जो पाकिस्तान का मौकफ पहले दिन से रहा? देखिए, सबसे पहले तो एज ए फैन ऑफ क्रिकेट, वी आर रेडी, वी बिलीव एज ए पाकिस्तानी दैट वी आर रेडी टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान. देयर इज नो डाउट, पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है. बहुत सी कामयाबियां हमने देखी, लोगों को इंजॉय करवाया, हमारा क्राउड बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का. इस और हम डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, तो ये एक और एक्साइटमेंट भी है. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर होना बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हम यही चाहते हैं. अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात हमने रिसेंट पास में सुने दोनों तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इंडिया के ना आने के ऊपर यहाँ पे हुआ है. मुझे ये लगता है कि जो हमेशा हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहिए, जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन्स को देते हुए सुनी. बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पर आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे उन्होंने बोला कि मैंने बिग थ्री इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दिए. कभी आई वो, कभी वो MOU साइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया की पिचें लेके आएंगे. कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूवर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है. अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ. इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर. To me, why you said that earlier, a 2 weeks back, जब आपने बड़ी strongly ये statement दी कि हमने hybrid model का तो सोचा ही नहीं है,
तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज अगर दो वीक पहले नहीं थी तो दो वीक बाद क्यों आ गई? तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। अभी मैं देखता हूँ जब ये चीज सामने आ जाएगी, आई विल शेयर माई व्यूज कि वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो स्पेकुलेशन है। यहाँ से भी मुख्तलिफ जो शाह के वफादार हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स और मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं, तो देखना ये कि जब एक चीज आउटकम आ जाएगा देन वी विल डिसाइड। बिल्कुल, लेकिन एक बात है जिस तरह शुएब भाई ने भी प्री मैच ट्रांसमिशन में निशानदेही की थी कि इसके साथ भी अगर आप जो है वो अपने एक आप अपने होस्टिंग राइट्स बरकरार रखते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर बात होती है तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान और अगले आईसीसी इवेंट जो इंडिया में होने फिर उसके एज लॉन्ग एज पाकिस्तान गेट्स टू मेक मनी। डज इट मेक सेंस टू यू? कैन यू डू अ चैंपियंस ट्रॉफी विद आवर इंडिया लॉजिकली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली? नॉट इवन कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा देन टू इट विल नॉट बी गुड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, यानी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। We are a voting member of ICC, we can't say no, but the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan, by the way. Let me tell you right now. Virat Kohli is probably dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है ना, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते हैं तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। Let me tell you right now. क्यों नहीं आ रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। Are you getting it? नहीं, ना आने की कोई वजह, हुकूमत नहीं चाहती हूँ। बोर्ड चाह रहा है बीसीसीआई, जय शाह भी चाह रहा है, चाह रहा है, हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। अगर वो भेज देते हमारी देखे बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, इट नेवर स्टॉप्स इन डेज ऑफ वॉर, राइट? वी ऑन आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट, वंस इज देयर they'll come, I predict that in within a year or two India will play a full fledged series in Pakistan. But Shreya bhai, similarly the last year ko dekhen, last year Pakistan went there to play the World Cup, it wasn't that the first step humne, but the thing is the bad mistake that made by Indians and cricket board was the pehla match wo nahi India Pakistan ke chahiye tha Hyderabad mein, bilkul meri baat samjhe, rules jo bhi kehte hain last wo champions wo khelenge, but dekho nahi bhai, dekho na mujhe bechni hai cheez, जब मुझे एक चीज बेचनी है तो मैं सबसे बेहतर चीज क्या देखूंगा? यू नो अफीज शोएब की पार्टनरशिप ऑन द टीवी, ये चलो बेचते हैं इसको, मैं इंडिया पाकिस्तान को बेचता हूँ। पहला मैच क्या मतलब था, क्या आपको ख्याल था कितना बंदा होता? मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मैं कलकत्ता में खेला जब 97-98 में, लाख अंदर था लाख बाहर भी था, ठीक है ना, और बिलियन देख भी रहा था। मॉल बंद करा दिया था, सबको याद है, मॉल में गए, मॉल बंद हो गया। यही इंडिया को पहला शुरू भी आफ्टर ग्रेट स्टार्ट, मैं चाहता था कि इंडिया ये करता, इंडिया पाकिस्तान का पहला ओपनिंग मैच होता, टक्कर का मैच तो टीआरपी ऑफ द रूफ होती, सारा कुछ होता, जो भी होता, आई वुड वांट पाकिस्तान टू विन। फिक्सचर्स की बात है ना, व्हाट शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला कदम उठाया, उन्होंने लिया, बिल्कुल, तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहे कि अब हम नहीं जाएंगे, नहीं नहीं होगा, अब पाकिस्तान कह रहे हम नहीं जाएंगे, देखिए हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए इफ यू फाइंड एज स्मॉल एज दिस विंडो टू मेक पीस, यू शुड गो फॉर इट, मस्ट टेक इट, यू मस्ट टेक इट, यू लुक, आई बिलीव इन रिकंसिलिएशन, आई डोंट बिलीव इन दैट अपने दरवाजे बंद रखो, I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान टैलेंट. They love Babar. They love everybody. They'll enjoy cricket. तो उनको तकलीफ, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहता हूँ इंडियन के साथ, तो they actually very hurt to see Pakistan which state they're in right now. तो उनको बुरा लगता है यार, ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान एक कंपेरेटिव टीम है, ऊपर जानी चाहिए. But having said that, once you are a common man like us, the choices are very simple. Once you're king, the few choices are very simple. You know, so Mohsin bhai ke liye bhi choices are isn't as simple. To wo cricket bhi chalani unhone, dekhna bhi hai, bayan bhi dena, apni reputation bhi save kar, but he's a great guy, he's did the right thing, as long as we get the revenue stream higher than ever before, I'm happy with that. Bilkul, the money should keep on coming. Exactly. Simple as that. The world does not run by emotion and here with your statement. One world runs by the finance. बिल्कुल, as long as your finance is not better mam, दो वीक पहले नहीं पता ना गल्ला, I knew the thing
मैंने कंफर्म करा लिया था हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। हां बिल्कुल, बट ही सेड बिकॉज़ दैट्स द राइट थिंग, आई थिंक द राइट थिंग दो तीन हफ्ते पहले प्रोग्राम में कहा। सिंस वी आर इन द डेडलॉक, यहां पर वी कैन टेक अ ब्रेक। एब्सोल्युटली, लेट्स गो टू अ शॉर्ट ब्रेक, बट वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग को एनालाइज करेंगे और मैच की मुख्तलिफ और डिस्कशंस इनको जारी रखेंगे। देखते रहिए गेम ऑन। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और यहां पे हम फर्स्ट टी20 के बाद बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे बैठे अपने एक्सपर्ट्स के साथ एट गेम ऑन है। पाकिस्तान वन द गेम विथ 57 रन्स, आपको ये रिमाइंड कराते चले। और बात करेंगे अब इस सेगमेंट में पाकिस्तान की बॉलिंग की, और जब हम बॉलिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हारिस रऊफ की। उन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है आज, ही हैज नाउ बिकम द हाईएस्ट मेन क्रिकेटर विकेट टेकर इन टी20 आईज फॉर पाकिस्तान। ग्रेट माइलस्टोन फॉर हारिस, और शादाब खान के पास ये पहले ये जो है एजाज जो है मौजूद था। तो शुएब फास्ट बॉलर Thank you very much. जैसे वो बैटिंग का आपसे पूछते हैं, फास्ट बॉलिंग का भी आपसे पूछते हैं। Did it make sense when I talked about batting? You can. Anyways, carry on. Credit goes to Lahore Qalandar. Again, the find of Aakif Javed, and given the lot of credit needs to go to Atif, Sameen, everybody. That is their find. उन्हें चांस दिया, आज he's finally managed to get something which he's never dreamt of, but he kept on dreaming, you know, when he started playing for Lahore, when he became a regular feature for Lahore Qalandar. तो उसके बाद इसकी intent इतनी अच्छी थी कि मुझे मैच विनर बनना है, मुझे वो स्पेल्स कराने हैं, वो ये स्पेल्स ढूंढता रहता है, तो ये स्पेल्स कराता है और शौक से करता है, जान मार के करता है। As I said it before, that is an honest fast bowler. So, credit goes to Lahore Qalandar, and the most of the players comes from Lahore Qalandar. ये तो कोई दो राय नहीं है, निकाल लें फखर जमान, शाहीन शाह, अपना आर एस निकाल लें, बैट्समैन निकाल लें, जितने ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन हैं, सारे को नाम नहीं ले सकता, बट ये सारे लाहौर कलंदर की पैदावार है। कामरान गुलाम also. कामरान गुलाम अगेन, और मैं ये कहता हूँ यार, आई थिंक दे प्लेड अ मेजर पार्ट to promote the talent for Pakistan, and yet that the same coach is going to coach those people, those who's been actually been found by him. Ab make sure wo karega ki Haris Rauf one step closer apna ek one day ka bahut acha bada bowler ban jaye. He should leak less runs in the one days. Mujhe pata hai ki teen daire hain, pace hai, try out karta hai, usme runs 70-80 badh jate hain, but it's not good for visuals. But Haris Rauf once again is a great find. Hats off to him, congratulations to his family, and wish him best of luck, carry on. And I want him to just like bowl like this in the test cricket, that's about it. Bilkul, Hafeez bhai, trajectory kaisi rahi hai? Agar aap Pakistan mein dekhen, to mostly everybody starts from tape ball cricket, lekin Haris ke liye badi particular rahi, phir Lahore Qalandars ke players development program mein humne dekha, wahan se aaye, trials diye, PSL khel ke, Big Bash khele, aur aaj Pakistan ke leading T20 international wicket hai. Dekhen, wo jo hum pehle baat karte hain ki हर एक क्रिकेटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो उसको कैसे ग्रैब करता है, कैसे मैक्सिमाइज करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वन ऑफ द क्लियर एग्जांपल कि फ्रॉम नोवेयर ही इज बीन पिक बाय लाहौर कलंदर। ओके, बॉस उन्होंने हजारों और बच्चे भी लुका जो है उनकी नजरों से गुजरे होंगे, लेकिन एक लड़का वहां से निकलता है, वो अपनी मैक्सिमाइज करता है अपॉर्चुनिटीज को, ग्रैब करता है, प्रोफेशनल रहता है, ड्रीम बड़ा करता है, मेहनत करता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज हारिस रऊफ की जो तारीफ की जा रही है, ये उसके पीछे हैं। वो जो मुश्किल टाइम उसने गुजारा, मेहनत की, अपॉर्चुनिटी बड़ी की, आप ग्रांटेड नहीं समझा उस प्लेस को, और हर दिन बड़ा होने की या बड़ा करने की कोशिश करता रहा, आज वो लीडिंग विकेट टेकर के तौर पर T20 में नजर आ रहा है। सो आई थिंक इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप। आई बिलीव एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर ही शुड नॉट जस्ट थिंक ये दैट इज डन, इसके बाद मैंने शायद कुछ, क्योंकि बहुत से प्लेयर ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पे वो अपने आप को समझते हैं कि मैंने सब कुछ अचीव कर दिया। आई एम श्योर जो माइंडसेट है हारिस का, हमेशा वो हमेशा अचीव करना चाहता है और अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाना चाहता है। बट सिंसेरिटी है, क्योंकि फ्रॉम अ पॉइंट कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें और फिर भी एक बंदा ऑनेस्ट है। मुश्किल हालात जो आप बात कर रहे हैं, वो पिछला साल उसके लिए काफी मुश्किल गुजरा, बट स्टिल ही स्टूड टॉल, उसने उससे बाहर आया, उसने बाकी जो छोटी मोटी जो भी चीजें चली उसको कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसमें से गो थ्रू करना बड़ा मुश्किल है। बट स्टिल ही इज बीन वेरी पॉजिटिव। आई मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स, आई स्पोक टू हिम कपल ऑफ टाइम्स पर्सनली। ही इज एट द सेम लेवल जो आज से 6-7 साल पहले एक लड़का निकला, उसका पैशन था टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, ही स्टिल एट द सेम लेवल। सो दैट इज समथिंग वेरी गुड।
और मुझे लगता है कि जस्ट द फर्स्ट अचीवमेंट और बहुत सी अचीवमेंट हारिस रोफ का इंतजार कर रही है. जैसे उन्होंने बात की, आई पर्सनली वुड लाइक टू सी हिम प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, विनिंग टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान. लेकिन लेट्स सी, ही हैज टू डिसाइड ईदर ही वांटेड दैट ग्लोरी टू कम इन हिज पॉकेट और नॉट. लेकिन स्किल्स उसके पास हैं, उसके पास वो फिटनेस मौजूद है, उसके पास वो माइंड सेट मौजूद है. इट्स लेट्स सी कि मैं ज्यादातौर पर समझता हूँ अगर वो टेस्ट भी खेलता है तो वो उस जगह पे पहुंचेगा जिसमें आज यहाँ पे हम मेरे राइट साइड पे शुएब भाई बैठे हुए हैं. क्योंकि अचीवमेंट सिर्फ T20 क्रिकेट के साथ अटैच नहीं होगी. अनटिल यू अचीव इन टेस्ट क्रिकेट यू डोंट डिजर्व टू गेट दैट ग्लोरी या वो जो टैगिंग है ग्रेट्स की, आप उस जोन में नहीं जाते. समटाइम्स सेटबैक्स आर गुड. सेटबैक्स अच्छे होते हैं. अच्छा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिला, बंदा तो वापस आ गया ना. He's back in form. और आप कह रहे हैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना भी नहीं है. No, he's definitely back in form. दो दो महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा. बिल्कुल, he's definitely, he was exceptional. तो अच्छा है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. But what doesn't break you makes you stronger. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में definitely he was exceptional. एक और चीज, एक और मुद्दा जो हमने प्री मैच में भी डिस्कस किया था वो ये था स्पिनर्स. पाकिस्तान का रिकॉर्ड लास्ट एक ईयर में T20 आईज वाजंट वेरी गुड. उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल इस चीज का भी था दैट द स्पिनर्स वर नॉट एट पार. वो शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जो हम शायद 2020 ऑनवर्ड्स देख रहे थे. नाउ यू नो वी आर चेंजिंग, वी आर सीइंग अ चेंज इन थिंग्स. स्पेशली अगर मैं बात करूँ हफीज आपसे, सुफियान मुकीम की, बिकॉज यू वर वेरी एडमेंट कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं इन द प्री मैच एंड ही हैज प्रूव्ड यू राइट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिज परफॉर्मेंस? देखें, अगर आप अब्रार को भी बीच में ऐड ऑन करें, ही इज न्यू टू दिस फॉर्मेट. लेकिन आज के मैच में दोनों ने जो इम्पैक्ट डाला, दोनों ने जो 6 विकेट्स लिए 3 ईच, उसने मैच को जितवा दिया. क्योंकि एट सर्टन स्टेज दे वर क्रूजिंग, वी वर थिंकिंग कि अगर सिकंदर खड़ा रहा या दूसरा जो उनके साथ बैट्समैन था अगर वो खड़े रहे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करे. लेकिन एट दैट स्टेज स्पिनर मिडिल ओवर में आए, पहले उन्होंने आउट किए और पहले उसने अब्रार ने इनिशियली आउट किए, उसके बाद फिर मुकीम ने, सुफियान ने आउट किए. तो देखें वहां से गेम हमारे कंट्रोल में आया. तो देखना यह है कि वो जो मिसिंग पार्ट था जिसको आप 2 साल पहले के स्टैट्स में दिखा रहे थे, स्टार्ट योर स्टैट्स नाउ, गिव देम अ टाइम. आई एम श्योर द वैरायटी दे हैव, दे विल कम अप विद द ग्रेट परफॉर्मेंसेस फॉर पाकिस्तान. वो जितनी भी स्टैट्स की जो कंपैरिजंस हैं वो बदल जाएंगे. लेकिन लेट देम प्ले, लेट देम लर्न. क्योंकि इसमें फेलियर्स भी होंगे कुछ मैचेस के अंदर, बट द मोर चांसेस दे विल बी ऑफर्ड बाय द मैनेजमेंट. आई एम श्योर द क्वालिटी दे हैव, these two they can bring a very good performances for Pakistan, especially in this format. ke variation ke sath jo middle ke andar wicket taking ability hamari missing part tha, ya hamare jeet aur haar ke andar jo defining moments thi wo yahi thi ke ye hum middle over mein wickets nahi le pa rahe the. to ye dono showing those areas ke ye wicket takers hain. aur abrar ki baat kare agar hafiz, to wo to pakistan team ke sath kuch arse se hain, unhone red ball cricket bhi kheli hai, he's been in the plans. lekin sufyan ka is tarah se aana pakistan team mein aur is tarah se perform karna shows a lot of confidence. ye dekhen is tarah ki mystery spinner, is tarah ka jo left arm wrist ki variety hai, we were missing in pakistan cricket. abhi hamare paas do aaye hain, faisal akram aur sufyan mukim. dekhna ye hai ki inki fitness pe ye khud kitna kaam karte hain, because i still can see कि सुफियान मुकीम कमिंग आउट फ्रॉम अ फिटनेस इशू, इनकी सर्जरी हुई. अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा मसला है वो सर्जरी करवाने वाले तो बहुत से हाथ मिल जाते हैं, बहुत से दिमाग मिल जाते हैं, रीहैब करवाने वाला होता कोई नहीं. तो ये मिसिंग पार्ट है कि अब ये प्लेयर हमारे पास आ गया, इसकी फिटनेस को इम्प्रूव करवाने के लिए जो भी मैक्सिमम हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं वो किया जाए, अलॉन्ग विद अदर प्लेयर्स ऑल्सो. क्योंकि अगर इस तरह की वराइटी हमारे पास है, वो जैसे कुलदीप उनके पास, इंडिया के पास, अगर हमारे पास सुफियान और फैसल की शक्ल में इस तरह की वैरायटी वनडे क्रिकेट में ऐड ऑन हो जाए, हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दे आर द विकेट टेकर्स. बिल्कुल. और पाकिस्तान 1-0 अप ऑलरेडी इन द सीरीज. लेकिन अब जब आप दूसरे मैच की बात करेंगे तो आई थिंक बड़ा सिंपल है कि सेकंड T20 इज नाउ अनदर गेम के पाकिस्तान जीतकर, पाकिस्तान शुड गो फॉर अ क्लीन स्वीप. तो दूसरा T20 इंटरनेशनल मंगल यानी 3 दिसंबर को खेला जाएगा एट द सेम वेन्यू, द क्वीन स्पोर्ट्स क्लब इन बुलावायो, सेम टाइम ऑब्वियसली. और लाइक आई सेड कि पाकिस्तान शुड गो फॉर अ 3-0, एंड आई थिंक आपने ओडीआईज में भी कहा था कि T20 तो क्लीन स्वीप करें. हाँ, राइटिंग ऑन द वॉल है, बस कर दें इसको, खत्म करें. और आई थिंक यू शुड फिनिश दिस सीरीज ऑन द ग्रेट नोट और शुड कम बैक विद अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम. अब आपको सुफियान मिल गया है, इब्रार मिल गया है, चांस दिया ना आपने, खिलाया है ना, आने दिया है ना, किसी ने तो आने दिया ना, तो डिस्प्ले हुआ है ना, तो अब आपको नजर आ रहा है. सो ये ऑनेस्ट सिलेक्शन
मिसिंग थी वो नजर आ रही है. कॉम्बिनेशन आपके बनते रहेंगे इंशाल्लाह, यू विल सी अ बेटर टीम इन थ्री टू फोर मंथ्स टाइम डेफिनेटली. तो हफीज भाई, पाकिस्तान यूजुअली आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हो, एंड ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि आप पूरा चांस दें अब इन लड़कों को, तो ऑब्वियसली अगले मैच में भी प्रॉब्ली यू कैन गो विद द सेम. यार मुझे लगता है कि जो बाकी जो साथ बैठे हुए हैं, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट अरफात मिनहास, आई एम टॉकिंग अबाउट हसीबुल्लाह, आई एम टॉकिंग अबाउट कासिम अकरम, आज साहबजादा फरहान, अब इतने ज्यादा वो प्लेयर अभी आपके साथ बेंच पे बैठे हुए हैं जो देमसेल्फ वांटेड टू गेट इन. लेकिन अब देखना यह है कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको उनको लगता है कि वो रेस्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी की एक परफॉर्मेंस से बाहर हो जाएगा या वो ड्रॉप हो जाएगा. लेकिन टू ट्राई आउट अदर ऑल्सो, लेट्स सी कि वो क्या सोचते हैं कि किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा सकते हैं या किसी ऑलराउंडर को चांस मिल सकता है, किसी बैट्समैन को रिप्लेस कर सकते हैं. क्योंकि सारे एक जैसा जीत लें, दूसरा जीत लें, बाकी ये पांच भी खिला दें, तीसरे में कर लें, तीसरे में हो सकता है ऐसे ऑप्शंस दे दें. ये बेहतर, ये इट्स मेक सेंस, क्योंकि मिडल ऑफ द सीरीज आप नहीं कर रहे, एक आधे चेंज जो आप देखते हैं कर लें, बाकी ये पांच खिला दें, कोई मसला नहीं. पांच अभी भी तो सारी नहीं खेल रहे हैं ना, 2-0 पांच नहीं, 2-0 के बाद खिला दें, अब आपको आपको एक बेंच मिल जाएगा, बेंच के साथ आपको फ्यूचर मिल जाएगा, फ्यूचर में आपको डिसीजन मिल जाएगा, डिसीजन के बाद एक कॉम्बिनेशन शेप इन करके अपने सीनियर जूनियर के साथ आप कैरी ऑन कर सकते हैं. और इसके बाद एक ब्रेक के तो नहीं होगी, लेकिन रोटी जरूर मिलेगी. और इसी के साथ हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू हफीज, थैंक यू शोएब भाई, इट वाज वंडरफुल टू चैट विद यू. काफी इनसाइटफुल एनालिसिस हमें देखने को मिला, ऑफ कोर्स गेम भी पाकिस्तान के हक में आई, और इट वाज वंडरफुल टू वॉच एंड वंडरफुल फॉर मी टू बी हियर. एमएन, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम. यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ very crucial part of Game On Air from now onwards. So, you know, it's been a great debut for you as well. But thank you very much. Aap sab logon ka bahut shukriya. And jis tarah humne kaha ke Pakistan with a victory, it's absolutely remarkable. But yehi tha aaj ka post-match. Aur aapse zaroor mulaqat hogi. 3 tarikh ko jab hum baat karein. Dusre T20 International ki pre-match mein hum aapko join karenge. Uske baad post-match bhi. Hoping for a Pakistan victory. Clean sweep ke saath. Aur sab isko enjoy karenge. Mujhe aur team ko dijiye ijazat. Hijab ki taraf se bhi. Allah Hafiz. Game On Air.